तो बेसिकली ये सेशन हमारा चल रहा है एडवांस फॉर्मूला, मतलब कि वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग से पहले की जो हमारी क्लासेस है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है एरे फॉर्मूला। तो एक क्लास हमने एरे की ली थी जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से एरे का यूज होता है और एरे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एरे के क्या बेनिफिट्स हैं। अब चलिए एरे का हम सेकेंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि एरे का यूज जो है दो तरीके से होता है, मतलब पहला कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दूसरा कैलकुलेशंस के लिए। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने लिखा, तो जो इस तरह से लिखते हैं ना अलग अलग सेल में, हम यहीं पे इकट्ठा कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5। और फिर जहां जहां तक चाहिए वहां तक हम इसको F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं। F2 इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक्टिवेट हो और ये हमारा, आपने देखा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या था? तो इसका बेनिफिट जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मैंने मान लीजिए सुजीत लिखा और मुझे हर लेटर को अलग अलग करना है, तो कई सारे मीट मैन्युअली लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम मिड फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं कॉमा, एंड यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे देते हैं, यहाँ पे कॉमा 1। फिर F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमारा वर्क हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने वीलुकअप में किया था, डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए होता है। दूसरा आता है कैलकुलेशंस, कि कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे मुझे कुछ बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब मान लीजिए कि इसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसका फिर सम निकालना है। मतलब कि मुझे सबसे पहले तो इसको इसमें मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, फिर +90 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 2 से, उसको डिवाइड करना है 2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको उस पे 100 जोड़ के फिर उसका सम लेना है। तो इतने सारे कैलकुलेशंस हैं, तो एक साथ यही कर सकते हैं कि सम ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई हमने 60 +90 डिवाइड बाई 2 + 100 लिख दिया। लेकिन हमने यहाँ पे बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि ब्रैकेट्स लगा देना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन ये तो चीजें थी, लेकिन हम अपने ऑफिशियल लाइफ में इसका क्या बेनिफिट उठाते हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके अपने ऑफिशियल लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका उस पे देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 तो लिखा ही नहीं मैंने, 3, 4, 5 लिखते हैं। अब लीजिए 2 छोड़ दिया, अरे मुझे लग रहा है मुझे बेटा बेटा से गिनती सीखना होगा। 5। अब हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो इसमें कॉमा क्या होता है? कॉमा कॉलन्स के लिए होता है, मुझे रो भी रखना है तो सेमी कॉलन रो का सिंबल होता है कि 6, 7, 8, 9, 10, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर इस पे हम F2 प्रेस करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर देते हैं, ठीक है। हाँ
बेनिफिट क्या होगा। चलिए तो मेरे पास एक कोड है और एक यहां पे नेम है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहां पे हमारा नाम है, जैसे कि हमने यहां लिख दिया पूजा, ऐसे कुछ नेम्स डले हुए हैं, ऐसे कुछ नेम्स डले हुए हैं। अब यहां पे हम कोड लिखते हैं और नेम, यहां पे नेम लिखा, वन लिखा, यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूला कि वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया कॉमा और इसको सिलेक्ट कर लिया, ये तो जानते ही आप, नेम आ गया। अब इसमें क्या करना है कि अब हमारा रिक्वायरमेंट आया हुआ कि जो नेम का लिस्ट है ना, मुझे किसी सीट पे नहीं रखना है, मुझे फॉर्मूले के अंदर ही रखना है। हम इसको किसी सीट पे नहीं रख सकते किसी भी रीजन से, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अब यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, मैं कॉल उठा लिया था। तो यहाँ पे कैसे करें कि फॉर्मूले के अंदर ही में रखा जाए, तो हम रख सकते हैं इस मेथड से, जो ये मेथड है ना, इस मेथड से रख सकते हैं। देखिए कैसे, वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट में 1 कॉमा और यहां पे पूजा कर दिया, फिर 2 कॉमा यहां पे कॉमा नहीं होगा, यहां पे सेमी कॉलन होगा, क्योंकि पूजा के बाद तो रो चेंज हो रही है ना, तो कॉमा होता है कॉलन के लिए एंड सेमी कॉलन होता है रो के लिए, तो सेमी कॉलन दिया 2 कॉमा पूजा, ठीक है। और फिर हम इसी तरह से सेमी कॉलन 3 कॉमा, अब आप सब पूजा ही दे रहे हैं, क्या बात है, रवि। मान लीजिए कि 2 तक ही देते, मान लीजिए छोड़ दीजिए, कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमा 2 कॉमा आ गया। इस तरह से रवि, इस तरह से कविता, इस तरह से मोहन, इस तरह से उदय हम आगे कर सकते थे, समझ गए, कर लीजिए, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो आप, सेमी कॉलन 3 4 कॉमा कविता, उसके बाद सेमी कॉलन मोहन, मोहन के लिए कौन सा है 4th कॉमा मोहन, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये आ गई कि इतना बड़ा इसमें लिखेंगे कैसे, इतना नहीं लिखेंगे तो बाद में करते हैं, पहली दिक्कत यह है कि इतना बड़ा हो गया फॉर्मूला में तो काफी और लगेगा, तो उसको सॉर्ट कैसे किया जाए, तो ये तो तरीका हो गया बड़ा सॉर्ट करने के लिए, तो इसको हम सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ फॉर्मूला में हम डिफाइन नेम में जाएंगे और यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं और इसके अंदर में हमें फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। अब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो यहां पे इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट करूंगा,
डेटा कॉमा टू कॉमा जीरो। उदय जी कंसेप्ट समझ में आया आपको? उदय जी हाँ हाँ समझ में आया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब दिक्कत क्या है? हाँ हाँ अब दूसरी दिक्कत यह है कि इतने सारे नाम को हम यहां लिखेंगे कैसे? जो चार पांच उधर लिख देंगे, लेकिन मान लीजिए 50, 60, 100 हुआ तो? जैसे एग्जाम्पल में मैं यहां पे मान लीजिए कोड लिखता हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पे 50 कर देता हूं, तो 50 या 100 एक तो 250 से ऊपर ज्यादा होगा नहीं, 255 से ज्यादा जाएगा नहीं। ओके ठीक है, लेकिन 255 तक ये लिखना काफी मुश्किल है ना, इधर दो ही कॉलम हो सकते, तीन चार कॉलम और हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसका उपाय एक्सेल में नहीं है, इसका उपाय जो है वर्ड में है। हम इसको कॉपी करते हैं और खोलते हैं एमएस वर्ड। और इसमें हम पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें सेपरेटर लगाना है कॉमा, माने कि ये जो डिस्टेंस है इसको वर्ड टैब समझ रहा है, और P और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पैराग्राफ समझता है। हम कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल H करेंगे, H को रिप्लेस। यहां मोड पे अगर हम आएंगे तो हमारे पास स्पेशल आता है, स्पेशल में हमारे पास आता है टैब करेक्टर। तो हमने बोला कि टैब को रिप्लेस कर दो किससे? कॉमा से। ठीक है, वापस हम पी देते हैं, पैराग्राफ को रिप्लेस कर दो किससे? सेमी कॉलन से। बन गया, हम इसको कॉपी करते हैं, फिर वापस एक्सेल में गया। अभी भी इसमें काम बाकी है, काम पूरा नहीं हुआ है। काम क्या बाकी है? इन्वर्टेड कॉमा लगाना। और इन्वर्टेड कॉमा याद रखिएगा, एक्सेल भी लगाइएगा, एक्सेल से मत लगाइए, इन्वर्ट मतलब लगाइए। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो हम यहां पे कंट्रोल एच करते हैं, और यहां पे जैसे कि हमने कॉमा को रिप्लेस किया कॉमा और स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद हम यहां पे सेमी कॉलन को रिप्लेस कर रहे हैं यहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन। हो गया, अब इसमें मैं स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं, और यहां कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं, और इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और फिर आप डिफाइन नेम में जाके आप पेस्ट मार दीजिए। क्या हो गया? तो आप इसको कहीं भी इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हो, या फिर मान लीजिए वापस डेटा आपको चाहिए, इक्वल टू डेटा लिखिए और एक एरिया को सेलेक्ट कीजिए, F2 करके एक्टिवेट कीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट, आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है सर, ये बताइए ये दूसरी सीटों पे काम करेगा, दूसरे वर्कबुक पे? वर्कबुक में काम, एक मिनट देख लेते हैं, इक्वल सर मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं करेगा, दूसरे वर्कबुक पे काम नहीं करेगा, लेकिन अगर करने कराना चाहे तो करा सकते हैं।
नहीं नहीं होगा, ठीक है, दूसरे वर्कबुक पे काम। फिर तो सर हर बुक में नेम डिफाइन करना पड़ेगा डेटा के लिए। देखिए इसका पर्पस यही था, जैसे कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, तो जो कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशंस को आप चाहते हो कि किसी एक्सेल सीट पे ना रखा जाए, हो सकता है कोई डिलीट कर दे, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता हेलो है। सर, हाँ हेलो, सर जनरली तो डिफाइन नेम जो है अदर सीट पे भी वर्क करता है, बट इस केस में क्यों नहीं कर पा रहा है? अदर सीट किसी भी सीट में कर सकते हो, लेकिन उसी अदर वर्कबुक पे भी वर्क के नाम वो करता है काम ही है। जनरली मैं यूज करता हूँ डिफाइन नेम, इस केस में क्यों नहीं कर पा रहा है ये अदर वर्कबुक पे सर? अदर बुक में नेम डिफाइन नहीं काम करता है, नहीं करता है सर, मैं यूज करता हूँ ऑफिस में। उसका अलग अलग कंडीशंस है, वो अलग रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, एरे के लिए होता है। ओके, एरे के बेस में नहीं हो पाएगा, तो ये यूज हो सकता है। ओके सर, एक वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ सर ये जो आपने जैसे नेम लिखा पूजा, और वो आपकी लिस्ट आ गई थी ड्रॉ, वो वो मैंने ऑटोमेटिक कस्टम लिस्ट, ये कस्टम लिस्ट बना बनाते हैं एक्सेल में, तो हम थ्री में यूज करते हैं। हाँ तो यहाँ इसमें कहाँ से करें सर? 2003 में यूज की मैंने कभी ये। फाइल के अंदर, ऑप्शन के अंदर, एडवांस एडवांस में, या फाइल ऑप्शन ठीक है, यहां पे एडिट कस्टम एडवांस एडिट कर। ओके थैंक यू सर। ओके है। अब दूसरी चीज बता रहा हूं कि एक नेम मैनेजर का भी एक अच्छा खासा कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, पता है सर आपको? नेम मैनेजर सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि आप अपनी एरिया को स्टोर करो, एरिया को स्टोर करो, उसके लिए नहीं होता है। नेम मैनेजर का इस्तेमाल जो है हम लोग चीज और के लिए करते हैं। हम उसको फॉर्मूला को सिंपलाइजेशन करने के लिए भी करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के लिए भी करते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला सिंपलाइजेशन का वीडियो आपको भेजता हूं, ठीक है, इस वीडियो को आप देखें और नेम मैनेजर कम 15 या 20 चीजें मुझे बताने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के आपको हम वीडियो को देखिए और मुझे नेम मैनेजर के लिए 10 अलग अलग एग्जाम्पल बना के दीजिए, मैं आपको मेल पे भेज। यानी कि बिल कुछ नॉर्मल आ रहा आपका, अब से कुछ पूछना है आपको? नहीं, जी नहीं सर। ठीक है, तो इसको